भाजी बाइक आराम ना चलाओ भाजी, की कर रहे हो यार भाजी, मैं गिर जाऊंगा भाजी, छपरी राइडर है तो इसलिए यार बिल्कुल यार भाजी क्या कर रहे हो गाड़ी के बिल्कुल साथ चिपकाते हुए निकालते लेके जा रहे हो यार। सच्ची दस रहा, मैं डर लग रहा थोड़े पीछे बैठ के भाजी यार, थोड़ी सी होली चलाओ यार प्लीज भाजी, होली 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 मैं स्कूटी पे बैठा ओ भाई मेरे पुठे नमस्ते होंगे घर के उल्टे जमे उल्टे जमे थे मतलब उल्टा पैदा हुए थे, उल्टा पैदा हुए थे तो तुम्हारे घर में ऐसे उल्टे नमस्ते करते हैं। कौन पैदा होते हैं? हैप्पी दिन बिजी रहे, इसका बाप इसका पीछा ना छोड़े, ये किसी को उंगली करने लायक नहीं। सो व्हाट्स अप गाइस, की हाल चाल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और देखो आज वैसे ना काफी ज्यादा वाली ना देर हो गई है, यहाँ पर टाइम ऑलमोस्ट 1:30 बज चुका है और अभी तक मैं ना घर से निकला नहीं, और मेरे को ना घर से जाने भी नहीं दे रही है, कह रही है मेरे पास ही बैठा रहे बातें बातें करता रहे। अरे भाई बहुत सारे वाले काम है, घर से निकलने दे, ठीक है। देखो ऐसा ही होता है हमारी ना थोड़ी सी ना लाइफ में ना मस्तियां तो चलती रहनी चाहिए। एक्चुअली में देखो देर इस चक्कर से हो गई है क्योंकि रात को बैठ के ना वीडियो एडिट कर रहे थे, और वीडियो एडिट करते करते ना यार काफी देर हो जाती है, फिर लेट्स होते हैं, फिर सुबह लेट उठते हैं, और उसके बाद सारा का सारा स्केड्यूल खराब हो जाता है आजकल। बट हम ना अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बढ़िया से बढ़िया ब्लॉग बना के एडिट करके उनको टाइम से आप तक पहुंचा दें, ताकि यार आप लोग उसको देखो, इंजॉय करो और वीडियो को लाइक करो, और साथ के साथ ना हम दोनों को प्यार दो, ठीक है, राइट। तो बाकी देखो आज वाला व्लॉग हमारा यहीं से स्टार्ट होता है, और अभी मैं ना जा रहा हूँ जस्ट हमारे घर के पास ही ना दलजीत पाजी आए हुए हैं। दलजीत पाजी वही है जिनके पास होंडा गोल्डविंग है, तो वो अपने यहाँ पर कुछ काम करवाने के लिए आए हुए हैं। उनकी मेरे को कॉल आई है, कुछ छोटा सा मेरे को भी उनसे काम है, तो जरा वहाँ पर हम चलते हैं और साथ में आपको लेके चलते हैं। आज का सीन अपना ये है कि आज हम ये अपनी फुल पावर BMW को चलाने वाले हैं। बहुत ज्यादा वाला मेरा मन कर रहा था, मतलब कि जब मैं सुबह उठा था ना तो उस टाइम पे ही ना मेरा मन कर रहा था। तो गाइस मेरा ना सुबह से मन कर रहा था इस बाइक को ना राइड करने का, सो इसलिए मैंने इस बाइक को भी निकाल लिया है, क्योंकि मैंने अभी ना छोटे मोटे दो चार अपने काम निपटाने जाना था, मैंने सोचा कि चलो बाइक की छोटी सी राइड भी हो जाएगी और साथ में ना दिलजीत पाजी को भी मिलकर वापस आ जाएंगे। ये जो बाइक है ना ये बहुत ही ज्यादा हमारी कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल अपने सस्पेंशन के चक्कर से है, क्योंकि इसके जो सस्पेंशन है ना वो बहुत ही ज्यादा वाले सॉफ्ट है, तो उस चक्कर से राइड का मजा ही बहुत ज्यादा वाला आ जाता है। जितनी मर्जी देर राइड कर लूं बिल्कुल भी थकावट नहीं होती है। अब इस टाइम पे ना गाइस मौसम ना बिल्कुल ना नॉर्मल सा हो गया, इवन कि इस टाइम पे ना गर्मी लग रही है, जबकि मैंने ना अभी इस टाइम पे कोई जैकेट वगैरह नहीं पहनी हुई है, जस्ट एक स्वेटशर्ट पहनी हुई है, बट इसके अंदर भी यार गर्मी लग रही है, जबकि मैं इस टाइम पे ना बाइक पर हूँ, सामने से ना हवा भी लग रही है, बट स्टिल जो भी दिन का टेम्परेचर और जो वेदर है ना वो गाइस काफी ज्यादा वाला गर्म हो चुका है, काफी गर्म हो चुका है, और अभी आगे तो यार और ज्यादा वाली गर्मी हो जाएगी, बट चलो कोई चक्कर नहीं है। बट जब गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है ना तो गाइस उस टाइम पे ना संडे राइड ना होती नहीं है, सीरियसली बताऊं, मतलब सुबह सुबह अगर बंदा निकल गया तो ठीक है, अगर लेट हो गया ना तो भाई साहब वापसी के टाइम पे ना हालत बहुत ज्यादा वाली खराब हो जाती है, सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ना राइडिंग जैकेट्स और पूरे गेयरअप होता है बंदा, तो काफी गर्मी लगती है। और अभी ना यहाँ पर हम पहुंच ही गए हैं। ओ क्या बात है पाजी, ब्लैक ब्यूटी के साथ ब्लैक बनकर आए हो, क्या बात है पाजी, सत श्री अकाल पाजी, की हाल है? ओहो पाजी तो बिल्कुल नए रूप ही थे गए, सारी चीजें इंडिया नहीं मिलती है ने? या महंगी ने, या की चीज है? लंबा टाइम है होता तो इंपोर्ट ही है, इंडिया कुछ रेडी नहीं मिलता। ओके पाजी सही है, अकेले वधिया तुसी भी वधिया है, जो सारे बंद होए पे हो। अभी का जो सबसे मुश्किल वाला टास्क है ना वो ये है, इस बाइक के ऊपर बैठना। मैं इस बाइक पे ना पीछे पहले कभी भी नहीं बैठा, आज पहली बार ही बैठूंगा। अब समझ में नहीं आ रहा पैर कैसे उठा के रखूं। अजी कंट्रोल कर लोगे ना? ठीक है चलो, बाइक दबा देती हूँ, जब दो मोटे मोटे बैठन गए थे बाइक दबेगी ना भाजी। भाजी राइट ले लो, कोई गल नहीं। पाजी नहीं यार, नहीं पाजी, होंडा गोल्डविंग थोड़ी ना की है यार,
पाजी खरीद दी बाइक की है। ओ यार पाजी क्या कर रहे हो यार, पाजी छपरी राइडर है क्या तुम यार? बिल्कुल यार पाजी क्या कर रहे हो, छपरी राइडर हो? ओ भाई साहब बंदा बहुत ही खतरनाक वाली बाइक चलाता है भाई। मेरे मेरी तो जान निकल गई, जान निकाल दी मेरी आपने। वो अच्छा दूसरे की बाइक दूसरी चलाओगे, अपनी बाइक बड़े राम राम यार। सही जा रहे हो बड़े, सही जा रहे हो। बहुत ही गलत बात है भाई, बहुत गलत बात है। देख गाड़ी के बिल्कुल साथ चिपकाते हुए निकालते लेके जा रहे। ओ यार ओ भाई साहब यहाँ से निकाल दिया यार। पाजी आराम से चलाओ पाजी, मैं लग जाएगी। ओ रे पाजी 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 हल मेरी कल पर तो बाइक ठुकी है पाजी। ओ पाजी नहीं नहीं नहीं। ओ यार बंदा बहुत कैमरा बंद कर दिया, बात इस गल करता यार जरा दो मिनट। ओ भाई मैंने डर लग रहा है भाई, सच्ची दस रहा मैं डर लग रहा थोड़े पीछे बैठ के पाजी। यार थोड़ी जी होली चलाओ यार प्लीज पाजी, होली होली होली। स्कूटी पे बैठा। ओ भाई स्कूटी तो तुम और कदर चलाओगे? नहीं पाजी तुम ना होंडा गोल्डविंग ही चलाया करो, आराम न चलाते ने। पाजी ना मेरे घर वाली साइड पर आए हुए थे, मैंने सोचा कि चलो पाजी को अपने एरिया के अंदर जो बेस्ट बर्गर वाला है और मोमोज वाला है ना वहाँ लेकर चलते हैं। तो पाजी को हमने अपनी तरफ से ना बेस्ट वाली जगह पे लेकर आए हैं। बाकी यहाँ पर सामने खड़ी हुई हमारी BMW बाइक, बट ये जो बर्गर है ना ये बर्गर बहुत खतरनाक है हमारी बाइक की तरह। पाजी ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं। पाजी जा रहे हैं अकेले अकेले मूवी डेट से, अकेले 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 बहुत मूवला थे। चलो ठीक है ओके बाय बाय ना, हम भी चलते हैं सीधा अपने काम पे, क्योंकि ना दुकान से बार बार फोन आ रहे हैं, पापा के पूछ रहे कहाँ रह गया कहाँ रह गया। तो फटाफट से ना मैं दुकान पर ही जाके आपको मिलता हूँ, ठीक है? उसने टांगे कहाँ रख लेता है? रामदेव नहीं करता। हाँ हाँ पैर का अंगूठा भी खा लेते। तू करके दिखाइयो अपने हाथ जैसे करती है, खा लेते हैं पैर का अंगूठा, खा लेते हैं। ओ भाई बताओ तुम कैसे करते हो? क्या करी जा रहा है यार ये? देखियो दिखाइयो क्या किया तूने? क्या बढ़ गया? हाँ ये देखो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इधर ले आ, एक्सपेरिमेंट हो रहा है जी जी। ये ना एक पॉप होता है, इसको पानी में जैसे जैसे डालो ना वैसे वैसे ना ये बड़ा होगा। इसने ना खाली इसके आगे का हिस्सा डाला है ये, अबे इसने पूरा डाला नहीं, इसने अच्छे से इसको अंदर डाल पूरा, पहले पहले डिप कर दे पूरा इसको ना अच्छे से, देखते हैं क्या बनता है। फूल गया भाई, फूल गया भाई, वाह ये देख अल्टीमेट ये हो गया ना मस्त, अब हो गया सॉफ्ट सॉफ्ट बिल्कुल। ये एक स्पॉन्ज आया हुआ है फेस क्लीन करने के लिए। पैसे वहाँ तो कुछ भी नहीं लगा इसका, फ्री में पास हो गया। दसवीं बार भी ऐसी पास कर दिया सरकार ने, हमारे कोविड चली गई, हम क्या करते हमारी थोड़ी इफेक्ट ना, वो जो उस टाइम का जो इफेक्ट है ना वो अब नजर आएगा। क्या नजर आएगा? ये कोरोना छाप छोड़ के प्यारी समझ गई। ओए ओए क्या सॉफ्ट है, सही लग रहा है। हाँ सही चीज है। अब ये खराब हो गया, यूज हो गया ये, अभी दे दे इसको। ये अब दुकान पे काम आएगा फेस क्लीन करने के, गांव बसा नहीं अब। नो क्या हालत है रे, गलत थोड़ी मारेगा और गलत काम कर देगा कहीं ना कहीं। शक्ल दिखा अपनी इधर, किसी को दिखाने लायक नहीं था। सुन रहे हो भाई, गलत काम तू करता है ना तभी तेरा ये हाल है, अगर तू गलत काम ना करता होता ना तो शायद आज मेरी तरह खड़ा होता। मेरी संगति है देख, उल्टा चोर कोटवाल को काटे, खुद करैक्टरलेस। क्या करैक्टरलेस है, क्या करैक्टरलेस? मैंने कौन सी तेरी गर्लफ्रेंड बटा ली? तेरे मुंह में घी चक्कर, मेरी गर्लफ्रेंड इसी बहाने एक और। यही वीडियो तेरी बीवी को भेज रहा हूँ, मरवा यार मेरे भाई। हेलो कुछ नहीं, मेरे को जहर खिला दे भाई, दिन बिजी रहे इसका बाप इसका पीछा ना छोड़े, ये किसी को उंगली करने लायक नहीं। चल भाई ओके। देखो एक्चुअली मैं ना वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना, तो अच्छे से सेलिब्रेट करना है, ताकि मैडम ना बाद में मेरे को बिल्कुल भी शिकायत ना करे कि तू मेरे को टाइम नहीं देता। ये मेरे को यही बोलती रहती है कि तू मेरे को टाइम नहीं देता, बट मैंने कहा नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, मैं तेरे को पूरा पूरा टाइम दे रहा हूँ। इनफैक्ट मैं किसी और को टाइम दे ही नहीं रहा, मेरे दोस्त नाराज होते रहते हैं, वो मेरे को फोन करके बोलते रहते हैं भाई तू बदल गया, भाई तू बदल गया।
भाई शादी हो जाएगी तो बदलेगा ही ना बंदा, क्यों? बिल्कुल राइट, देखा कितनी जल्दी बोली है। जो मॉल है ना, मॉल चलता नहीं है यहाँ पे, सिर्फ शराब के ठेके ठेके और कुछ नहीं है, चारों तरफ ना स्मोक वाली स्मेल है, ये देखो दारूशाला है यहाँ पर सारी की सारी, और कुछ नहीं है। पीनी है थोड़ी थोड़ी हो जाए। चीयर्स। अभी हम लोग जा रहे हैं मूवी की टिकट लेने के लिए बाहर से, वे टू सिनेमा। ये देख जो मॉल है ना रवनीत, जब नया नया खुला था ना उस टाइम पे तरफ बहुत ज़्यादा वाली ना यहाँ की प्रॉपर्टी की ना बहुत हाइप हुई थी, अब तो बिल्कुल डेड हो गया है। उस टाइम पे हम लोग भी ना यहाँ पर एक दुकान खरीदने की सोच रहे थे, अच्छा हुआ भाई साहब बच गए, नहीं तो आज हमारी भी दुकान ना यहाँ पर बंद पड़ी होती, या तो या फिर किसी ठेके के लिए खुली होती, किराए पर दी होती, या फिर सामने जैसे यहाँ पर देख रही है फुल बॉडी मसाज होती है, वहाँ पर हमने किराए पर दी होती दुकान, मतलब क्या है तो, बट अच्छा हुआ हमने यहाँ पर दुकान नहीं ली। मैडम वहाँ नहीं जाना, इधर जाना है। मेरा कायम रहे, पिक्चर अभी स्टार्ट हो गई तेरी, हेलो हो गई है, शर्त लगा हो गई है। हिंदी में बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, हम पंजाबी देखने आए हैं पिक्चर इस करके। लड़की सियाणी है। सो हाँ जी, हमारे को ये वाली पिक्चर बहुत ही बढ़िया लगी है गाइस, आपको रिकमेंडेड है कि आप इसको जाके जरूर देखना। तेरे को कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, डिफरेंट स्टोरी है, अच्छी है ना स्टोरी। इवन की ना हम लोग एंड तक उठे ही नहीं, प्रॉपर पिक्चर खत्म हो गई, लास्ट वाला जो गाना था वो भी पूरा का पूरा खत्म हो गया, हम लोग बैठ कर ऐसे देख रहे हैं, और हम ही नहीं पूरा हॉल बैठा हुआ था, ऐसी पिक्चरें बहुत कम होती है राइट। और पिक्चर बहुत अच्छी थी, सो रिकमेंडेड है, आप इसको जाके जरूर देखना। और बाकी हम इस वाले ब्लॉग को ना यहीं पर ही एंड करते हैं, आई होप कि आपको हमारा आज वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके अपनी अटेंडेंस लगाओ, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई को सपोर्ट करो, और बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू टू ऑल एंड लव यू, बाय 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 बाय, थैंक यू।